हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ फिर से मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं कार्स एडवाइजर यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या आप देख से मतलब इसकी इस गाड़ी की इंटीरियर देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। मतलब इसकी आप की भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी की दिखाना चाहूंगा गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी की, यहाँ पर आपको मिलती है लॉक की बटन, यहाँ पर आपको मिलते हैं अनलॉक की बटन। मतलब इसकी की में आपको सिर्फ दो ही बटन देखने को मिलते हैं। बाकी बात करूँ गाइस इसकी इंटीरियर की, तो आज की इस वीडियो में मैं बैठा हूँ गाइस मतलब निसान मैग्नाइट रेड एडिशन के अंदर। तो रेड एडिशन गाइस, रेड एडिशन से डिटेल्स मतलब रेड एडिशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं बताऊँ तो रेड एडिशन जो है आपको सिर्फ मिड वेरिएंट के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि है एक्सवी वेरिएंट। इसके ऊपर भी एक्सवी प्रीमियम और एक्सवी प्रीमियम ऑप्शनल की वेरिएंट भी आती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सवी वेरिएंट के साथ ही मतलब ऑफर किया जाता है। बाकी गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजेस है, मतलब इसकी इंटीरियर में काफ़ी सारी कॉस्मेटिक चेंजेस है और आपको मतलब एक्सटीरियर में भी काफ़ी सारी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलती है। तो क्या क्या चेंजेस है सभी चीज़ों के बारे में गाइस आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना आपका समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंटीरियर में सबसे पहले आपको चेंजेस देखने को मिलेगी जो है ये रेड एलिमेंट्स। ये रेड एलिमेंट्स सिर्फ आपको इंटीरियर में नहीं एक्सटीरियर में भी देखने को मिलेगी और काफ़ी जगह ये रेड एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया। तो इससे क्या होता है कि एक स्पोर्टी टाइप जो है एक स्पोर्टी टाइप फिनिश आपको ज़रूर मिलती है, यहाँ पर आपको रेड एलिमेंट्स मिलती है। हालांकि ये जो डैशबोर्ड है ये आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलती है, यहाँ पर सॉफ्ट फिनिश नहीं मिलती, लेकिन टच क्वालिटी जो है काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। बाकी इसकी एसी वेंट्स की डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। एसी वेंट्स की डिज़ाइन भी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सी एसी वेंट जैसे कि जो नॉर्मल एसी वेंट आती है उससे काफी अलग जो है यहाँ पर एसी वेंट्स का डिजाइन रखा गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग आरवीएम मिलती है, और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब के अंदर दो लाइट भी ऑफर किया जाता है। तो गाइस निसान मैग्नाइट के अंदर और बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि इसकी सन वाइजर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर लाइट जो है ऑफर नहीं किया गया, लेकिन ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक लाइट मिलते हैं, यहाँ पर भी एक वैनिटी मिरर मिलते हैं, लेकिन लाइट ऑफर नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पर आपको एक यहाँ पर गाइस यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर आपको एक हैंडल बार मिलती है। और गाइस दिखाने लायक यहाँ पर मतलब ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड के लिए जो कंफर्ट के लिए जो जो चीज़ें दिया गया है, जो फीचर्स दिया गया है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें जो जो काफ़ी बड़ा है वो है यहाँ पर इसकी डैशबोर्ड, मतलब डैशबोर्ड नहीं यहाँ पर ग्लोव बॉक्स। ग्लोव बॉक्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सी यहाँ पर ग्लोव बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट भी मिलती है काफ़ी जगह, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पर इसकी एसी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक एसी, और एसी के जो कंट्रोल्स हैं आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पर ही है, और यहाँ पर भी दिया गया। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन भी दिया गया है, तो एसी के जो रिलेटेड जो टेम्परेचर आप देखना चाहते हैं, कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निसान मैग्नाइट में पहले तो यहाँ पर आपको कोई जो है आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन जो है अब निसान मैग्नाइट की रेड एडिशन में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पर इसकी स्विच भी आप देख सकते हैं कुछ। बाकी इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर कि मैं बात करूँ गाइस, बाकी यहाँ पर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम। 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हीकल सेटिंग्स की बात करूँ, व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा का सेटिंग दिया गया है। बाकी यहाँ पर ड्राइविंग इको जो मोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सेटिंग्स की बात करूँ तो सेटिंग्स के अंदर वॉल्यूम रिलेटेड, लाउडनेस, साउंड रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स, डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर ब्राइटनेस आप लो, मिड, हाई ये सब वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर डे नाइट मोड, ऑटो, डे नाइट ये सब भी आप डिस्प्ले से रिलेटेड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर, ब्लूटूथ ऑप्शन, वाईफाई ट्यूटोरियल ये सब मिल जाती है, और सिस्टम के अंदर लैंग्वेज, फैक्ट्री से सेटिंग, सिस्टम वर्जन जो है ये सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सी यहाँ पर जो है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम रखी गई, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलती यहाँ पर जो है, बिल्कुल नॉर्मल सी यहाँ पर सेटिंग्स दिया गया है। बाकी बात करूँ यहाँ की तो यहाँ पर आपको हैजर्ड लाइट के बटन मिलती है, यहाँ पर डोर लॉक की जो बटन है वो ये सब देखने को मिल जाती है, और इसकी जो स्टार्ट स्टॉप की बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि ज़्यादातर गाड़ियों में इस तरफ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर निसान मैग्नाइट में यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर बात करूँ गाइस तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की एक पावर आउटलेट मिलती है, और यहाँ पर आपको यूएसबी जो है यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस रखी गई है ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें आप यहाँ पर कैरी कर सके। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी निसान मैग्नाइट में ऑफर किया जाता है। बाकी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बोतल होल्डर मिलती है, बोतल होल्डर या फिर कप होल्डर भी आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सवी, क्योंकि ये एक्सवी ट्रिम है मतलब ये मिड वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट नहीं मिलती, तो आर्मरेस्ट की जगह यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस दिया गया है।
अब बात करूँगा यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील की, तो एक्सवी वेरियंट के हिसाब से जो जो मतलब यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील में लेदर ऐप तो नहीं मिलती क्योंकि ये एक्सवी ट्रीम है। यहाँ पर अगर आप टॉप वेरियंट लेते तब आपको जो थोड़ी बहुत यहाँ पर लेदर रैप मिलती है। बाकी यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील देख सकते हैं, यहाँ पर टच एंड फिनिश अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलती है, और यहाँ पर आपको MID की जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि निशान मैग्नेट के एक्सवी वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल जो ऑफर नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पर आपको जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स ऑफर किया जाता है। और गाइज बाकी अब मैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है दिखाया जाता है, तो मैं आपको इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो गाइज अब इसकी जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर ड्राइव ए के अंदर आपको जो है किलोमीटर ड्रिवन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एवरेज माइलेज जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर ड्राइव ए ड्राइव बी के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जो है यहाँ पर आपको RPM मीटर देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको फ्यूल कंजम्पशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो डिजिटली आप इसकी फ्यूल गेज देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी और बात करूँ तो यहाँ पर आप काफ़ी तरीके से आप चेंजेस भी कर सकते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसकी सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी स्पीडोमीटर सिर्फ देखना चाहते हैं या फिर RPM मीटर भी सिर्फ देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिमिंग कंट्रोल्स के ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो गैस कुछ यही है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बाकी मैंने आपको इसकी जो है स्टेयरिंग व्हील दिखा दिया है। बाकी इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच जो है ऑफर नहीं किया जाता। तो और बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प की जो लेवलर है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो ये गाइज कुछ डाइवर्सर और को डाइवर्सर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो कम्फर्ट निशान मैग्नेट की रेड एडिशन में दिया जाता है वही है कुछ इसकी इंटीरियर आप देख सकते हैं। बाकी चलिए अब इसकी जो है इसकी सेकेंड रो पर कितनी कंफर्ट मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ निशान मैग्नेट रेड एडिशन की जो सेकेंड रो पर। तो सेकेंड रो पर सेकेंड पैसेंजर्स की अगर कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी कंफर्ट मिलती है, तो कंफर्ट के मामले में सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीरूम, ये जो सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर नीरूम आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी नीरूम मिल जाती है। तो नीरूम के मामले में जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हेडरूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी हेडरूम भी मिल जाती है। तो अगर आप 6 feet के भी अगर आप होंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलती है, यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलती है, और यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप कुछ ऐसे अपने मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं। बाकी जो सीटिंग अपोस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेदर अपोस्ट्री तो ऑफर नहीं किया जाता क्योंकि एक्सवी वेरिएंट के ऊपर बेस है, तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको फैब्रिक जो है अपोस्ट्री ऑफर किया जाता है। बाकी दोनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है दोनों पैसेंजर के, और हम की बात करूँ गाइस यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ी से हम नहीं मिलती, तो 3 जन पैसेंजर्स अगर बैठना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है, यहाँ पर एक लाइट दिया गया है। और गाइज यहाँ पर और जो है सेकंड रो की और बात करूँ तो यहाँ पर डोर्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको रेड एलिमेंट्स मिलती है, और यहाँ पर आपको ऑटो इंडोर्स की जो कंट्रोल्स है वो आपको दिया गया है। तो पीछे की पैसेंजर्स के लिए गाइज कुछ इतना ही है। बाकी चलिए अब इसकी जो है मतलब एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस और एक्सटीरियर में कहाँ कहाँ आपको रेड एलिमेंट्स मिलती है उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सटीरियर में। तो गाइस यहाँ पर कुछ आप निशान मैग्नेट रेड एडिशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रिल में तो कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि पहले जैसे ग्रिल है वही ग्रिल आपको देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रेड एलिमेंट्स मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रेड एलिमेंट्स मिलती है, यहाँ पर आपको निशान की यहाँ पर लोगो दिया गया है। बाकी इसकी स्किट प्लेट आप देख सकते हैं, स्किट प्लेट जो है यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश के अंदर स्किट प्लेट मिलती है, और यहाँ पर आपको स्किट प्लेट के ऊपर भी आपको यहाँ पर जो है रेड एलिमेंट्स ऑफर किया जाता है। तो मैंने जैसे कि कहा कि गाड़ी के इंटीरियर में और एक्सटीरियर में काफ़ी जगह यहाँ पर रेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसकी हेडलाइट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है हेलोजन बल्ब के अंदर यहाँ पर आपको हेडलाइट्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको DRL मिलती है इसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे यहाँ पर फॉगलैम्प ऑफर किया गया है। यहाँ पर जैसे कि जैसे यहाँ पर प्रोजेक्टर के अंदर यहाँ पर आपको फॉगलैम्प ऑफर किया गया है। बाकी और बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको शार्पनेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती क्योंकि, और लेकिन यहाँ पर रेड और ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन है उसमें निशान मैग्नेट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर इसकी साइड की बात करूँ
बाकी यहाँ पर इसके साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में तो सबसे पहले इसके आप व्हील्स देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं 195/60 R16 के टायर सेक्शन, मतलब 195/60 जो है इसके टायर सेक्शन है और 16 इंच की इसकी एलॉयस है। बाकी यहाँ पर ड्यूअल टोन के अंदर आप इसकी एलॉयस को देख सकते हैं और ब्रेक जो ब्रेक कैलिवर्स जो है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेक कैलिवर्स यहाँ पर आपको रेड एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक कैलिवर्स ऑफर किया गया है। बाकी इसकी जो क्लैडिंग्स है क्लैडिंग्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको जो रेड एलिमेंट्स देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको निशान मैग्नेट की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर इसको वार्ड बीएम आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल यहाँ पर आपको वार्ड बीएम भी ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको रेड एलिमेंट्स यहाँ पर भी मिलती है और मतलब गाड़ी की जो रियर में है रियर की यहाँ पर भी आपको रेड एलिमेंट्स के साथ साथ निशान की बैजिंग ऑफर किया जाता है। बाकी और बात करूं तो यहाँ पर इसकी डोर की हैंडल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल में आप क्लैडिंग्स देख सकते हैं, क्लैडिंग्स के यहाँ पर भी यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिलती है और ग्रे फिनिश के नीचे यहाँ पर आपको रेड एलिमेंट्स ऑफर किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर निशान मैग्नेट की रेड एडिशन में हर जगह आपको रेड एलिमेंट्स मिलती है और खास करके जो ब्लैक और रेड एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको रेड एलिमेंट्स मिलती है और यहाँ पर इसकी व्हील्स देख सकते हैं सामने जैसे कि आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किया गया है। बाकी और बात करूँ रियर प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है टेल लैम्प यहाँ पर आपको एलईडी के अंदर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको जो है हैलोजन बल्ब के अंदर यहाँ पर इंडिकेटर ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर रियर प्रोफाइल और बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलती है, यहाँ पर आपको जो है रियर वाइपर मिलती है और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप और यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी स्पोर्टी टाइप जो है यहाँ पर आपको स्पॉइलर ऑफर किया गया है। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं कुछ 7 इंच एंटीना बॉडी कलर के अंदर। बाकी यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिलती है, कुछ मैग्नेट की यहाँ पर बैजिंग दिया गया है। यहाँ पर आपको निशान की लोगो मिलती है। बाकी पीछे और बात करूँ तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके रियर कैमरा, क्योंकि ये एक्सट्री वेरिएंट है और एक बार कह दूं मैं गाइस क्योंकि ये एक्सट्री वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलती, यहाँ पर आपको सिर्फ रियर कैमरा ऑफर किया गया। बाकी इसके कुछ सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रियर में 4 सेंसर ऑफर किया जाता है और यहाँ पर कुछ आप इसके रिफ्लेक्टर्स देख सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसे कि आपने गाइज देखा कि आज के इस वीडियो में मैंने निशान मैग्नेट की रेड एडिशन के बारे में जितने डिटेल्स होती थी मतलब जितनी डिटेल्स होते हैं सभी मैंने आपको आज के इस वीडियो के जरिए बताया है कि इस गाड़ी में क्या चेंजेस है, क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या कम्फर्ट मिलते हैं, सभी चीज़ों के बारे में गाइज आज के इस वीडियो में मैंने बताया। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज आज के इस वीडियो को एंड करने से पहले और एक जानकारी, अगर आप लोग बिलोंग करते हैं सिलीगुड़ी से और खरीदना चाहते हैं निशान की मैग्नेट या फिर निशान की कोई भी कार तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिलीगुड़ी के नमन निशान को। तो इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके या फिर शोरूम विजिट करके आप इनकी कोई भी कार की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।